नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अग्रिम कुमाऊनी में। तो सुबह के लगभग 8:15 बज रहे हैं। आज मैं जा रहा हूँ नेथणा देवी, जो कि एक मंदिर है, और साथ ही मैं एक और नया मंदिर एक्सप्लोर करने वाला हूँ आज, जो कि मानिला देवी 2 के नाम से मशहूर है और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है उस मंदिर का। तो आज देखते हैं, चल के एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा उसका डिज़ाइन है, कैसा वो मंदिर है, और साथ ही मैं आपको पहाड़ की जो वादियाँ हैं, जो नज़ारे हैं, वो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए इस व्लॉग में मेरे साथ। दोस्तों यह है मासी का बाजार और अभी यहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नेथणा देवी मंदिर और थोड़ी देर में आपको दर्शन करवाऊंगा मंदिर के। डामर वाली रोड है पूरी यहाँ तक और यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है मंदिर की तरफ के लिए। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर को और थोड़ी देर में आपको दर्शन करवाता हूँ नेथणा देवी मंदिर के। यहाँ तक का सफ़र काफ़ी बढ़िया था, रोड काफ़ी सही है, आप आएँ तो आप इजीली पहुँच सकते हैं यहाँ पर, 4-व्हीलर आराम से आ सकती है और थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है। सामने बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, सामने त्रिशूल पर्वत यहाँ से दिखाई दे रहा है, चारों तरफ अच्छी माउंटेन रेंजेस आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ इस तरह से नज़ारे हैं मंदिर से, देख सकते हैं यहाँ से 360 डिग्री व्यू आ रहा है चारों तरफ के पहाड़ों का। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से। ये तिमिल का पेड़ है और इसके पत्ते को खाना खाने के लिए यूज किया जाता है पहाड़ों में।
दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये काफल का पेड़ है, और ये पहाड़ी रीजन में जो हायर एल्टीट्यूड्स पे जगह होती है वहाँ पे काफल काफ़ी पाया जाता है। और इसमें काफल लग चुके हैं, इसमें शायद कैप्चर नहीं हो रहे, बट छोटे छोटे काफल इस पेड़ पे आ चुके हैं। तो थोड़ा यहाँ पे काफल खाए जाएं, इस पेड़ में लगे हैं काफल, और काफलों का आनंद लेते हैं थोड़ा। एकदम फ्रेशली तोड़ रहे हैं पेड़ से, देखो तो काफल। तो अब हम निकल रहे हैं नैथना देवी से अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए।